तो मैं आपको बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं रामा स्टील्स ट्यूब्स लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, जो 150 का टारगेट दिया था आज के दिन में, ये हिट हो चुका है, तो एक नया टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हो। मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे जितने भी फॉलोअर्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं कभी भी गलत बताने का कोशिश नहीं करता हूँ इस चैनल में। एग्रेसिव टारगेट देता हूँ, लेकिन ये स्टॉक एग्रेसिव का भी बाप निकला। दोस्तों, मेरे 8 महीने में मेरा दोगुना, मतलब 2 गुना कर चुका है ये स्टॉक्स मेरा पैसे का। और सबसे बड़ी बात है कि देख सकते हो कि हाई इन इंडस्ट्री है, 203%। देख सकते हो, मैं इसको 380 से टारगेट दे रहा था, 380 से ये 480 चला गया, 500 गया, फिर स्प्लिट हुआ, फिर जाके दोगुना हो रहा है। तो आपको एक साल ये स्टॉक अगर पकड़ के रख दोगे तो आपका भी यहाँ से भी दुगना हो सकता है। लेकिन अभी स्टॉक नीचे आएगा क्योंकि टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड बन चुका है, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड जोन में चला गया है। तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये आप वापस जाएगा, क्योंकि 130 का जो लेवल था उसने ब्रेकआउट दे दिया। 130 का लेवल ये आपको चार्ट में दिखाई देगा कि 130 का देखो, ये 120 के आसपास जो ये ब्रेकआउट दिया था 120 का लेवल से, फिर एक सांप की तरह चल रहा है दोस्तों। और कोई भी स्टॉक, जैसे मैंने साउथ इंडिया बैंक के बारे में भी बताया था कि कोई भी स्टॉक सांप की तरह एकदम बढ़ता रहता नहीं है। तो थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि ओवरबोर्ड जोन में गया है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और जून क्वार्टर, अभी सितंबर क्वार्टर में अच्छा खासा रेवेन्यू भी कलेक्ट किया है, उसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। और सबसे बड़ी बात है कि प्लेजिंग जीरो है, इसलिए स्टॉक भी बहुत ज़्यादा बुल रन कर रहा है, सब कुछ टेक्निकली बुलिश है। और देख सकते हो कि MFI 86 में है, RSI 72 में है, तो यहाँ से फिर भी 50% एक 1 मंथ में रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 80% रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 94% और 1 ईयर में 202% का। मेरा 8 महीने का होल्डिंग में मेरा 2 गुना कर चुका है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये नीचे आएगा तभी बाई करना सही है। और FII अपना देखो, 2% से ऊपर बाई कर लिया है सितंबर क्वार्टर में, तो ये सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक जो है अभी बुल रन में तो चलेगा ही चलेगा। और डिविडेंड भी पे किया है, इंटरिम डिविडेंड अभी देख लेते हैं कि आपका देखो 1300 करोड़ का आपका कंपनी है, और यहाँ से सीधा 50 डेज EMA को टच करते हुए एक आएगा दोस्तों 130 के आसपास, फिर से आएगा एक बार, आने के बाद फिर से ये अप मूव देगा। और ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है यहाँ से, मतलब 46 रुपीज़ का आप मान के चलो, क्योंकि इससे पहले स्प्लिट हुआ था, यहाँ से ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक, कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, अब रुकेगा भी नहीं। कम से कम इसका 600 से 700 रुपये टारगेट हो सकता है आपका 2-3 साल में। तो आप मल्टीबैगर ढूंढते हो तो ऐसे ही एग्रेसिव और मल्टीबैगर स्टॉक मिलेगा आप ही के चैनल मनी मेकर में। जैसे कि ये थोड़ा सा अभी स्ट्रांगली ओवरबोर्ड जोन में चला गया, क्योंकि RSI देख सकते हो कि 72 में है और MFI 86 में है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश होकर फिर से ये ऊपर जाएगा CAGR के हिसाब से। क्योंकि मैं ये देखो आपका ये रहा इसका टेक्निकल में देख लेते हैं दोस्तों। अभी टेक्निकल में इसका देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ओवरबोर्ड जोन में गया है। ये देखो, इसीलिए 86 में आ गए MFI, 72 में RSI और बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब थोड़ा सा 1-2 दिन और भाग सकता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर ओवर जाएगा। जब रिट्रेस करने नीचे आएगा तब बाई करना दोस्तों, और तब एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और जो लोग पहले से बाई करके मेरे 150 का टारगेट के लिए अब अचीव किया था, तो मैं अक्टूबर लास्ट तक दिया था आपका 150 का टारगेट, और देखो आज अक्टूबर लास्ट है, अक्टूबर 31 है, और आपका टारगेट हिट हो गया। तो ऐसे ही एग्रेसिव टारगेट के लिए सब्सक्राइब कर लो आपके चैनल मनी मेकर।